हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग सबको। कैसे सारे के सारे, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यार मैं फिलहाल अभी ऊपर आया था और ऊपर आते मुझे ताना सुनने को मिला। एक्चुअली हुआ क्या, रात को मैं खाना खाने के बाद रात को अराउंड 9:30 बजे करीब मैं मार्केट से 2 चिप्स के पैकेट लेकर आया। मुझे भूख लगी थी और कहीं से ना छत से मम्मी और पापा ने मुझे देख लिया। और अभी मम्मी बोल रही थी तो कहाँ से लेकर आ रहा था वो, तो वहाँ तुमने मुझे देखा कैसे? रोटी खाने के बाद कहाँ जा रहा है? पर मैं तो चिपके से लेकर आया था, तुमने कैसे देख लिया? जैसे देखते हैं माँ बाप। फिर भी आंखों से देखा, छत से सैर कर रहे थे, छत में से देख दिया। पापा कहते अंकित कहाँ जा रहा है? तुम देख रहे हो, कुछ भी मार्केट से बाहर का खाना कितना मुश्किल हो रहा है। कभी भी खाओ, कहीं से भी खाओ, कहीं ना कहीं से दो आंखें देख ही लेती हैं, दो क्या चार देख लेती हैं। मुझे तो पापा मम्मी दोनों देख लेते हैं। तो अभी अभी उठे हैं, बस अब खाना पीना करते हैं सारे के सारे। मैं, अनु, तोता, ये तोता बस हमारी पीठ में मिलेगा तुम्हें जब भी मिलेगा। तो अब चलो खाना पीना खाते हैं, फिर उसके बाद तुमसे मिलता हूँ। इंटरनेट चल ही नहीं रहा था यार, मैंने वीडियो भी अपलोड करने के लिए मुझे मम्मी का हॉटस्पॉट लेना पड़ा, पर अभी फिलहाल इंटरनेट ठीक करने वाले भैया आए हुए हैं। अब देखते हैं कब तक चलता है इंटरनेट। ये इंटरनेट ठीक करने वाले भैया थे। हाँ जी भैया, खाली बॉटल, मम्मी खाली बॉटल होगी, ऊपर तार टूटी हुई है कह रहे इंटरनेट की। तो इंटरनेट वाले भैया इंटरनेट ठीक कर रहे हैं, तब तक हम मम्मी को देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। मॉम क्या कर रही है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? क्या कर रही है? सफाई कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो इसमें कितना टाइम लगता है? ये कोई बड़ी बात है, कोई भी कर सकता है। वो पकड़ा तो टॉवल और दीवार साफ करता, मैं भी बोलूं सारा गंदा हो रखा है ये देख दीवारों पे। और ये कर दी मैंने ठीक, तो अच्छी बात है। कुछ मिलेगा मुझे? मिलना क्या, 500 रुपीज शाबाशी मिलेगी। तो यार आज पैसों के लिए काम ना करके शाबाशी के लिए काम करते हैं, तो चलो आज सफाई करते हैं। तो यार अब मैं अपने सफाई अभियान के लिए तैयार हो चुका हूँ, गीला कपड़ा लेकर आ चुका हूँ, साफ गीला कपड़ा। और ये देखो दीवारें, जो ये व्हाइट कलर की दीवार गंदी हो रखी है ना, मुझे इनको साफ करना है। ये देखो यहाँ भी बहुत गंदी हो गई है, पर गीले कपड़े से इसकी अच्छी बात यह है कि ये साफ हो जाती है। तो अब मैं बस साफ करने वाला हूँ और बस साफ कर दूंगा। यार सफाई करते करते एक चीज़ याद आई, साक्षी सिंह एक सब्सक्राइबर है हमारी, उसका कमेंट आया था कि रोई जाए सॉन्ग गा दो अगर गा सकते हो तो नेक्स्ट व्लॉग में। तो अब जब काम चल रहा है सफाई का, तो क्यों ना टाइम पास भी हो जाएगा और डिमांड भी पूरी हो जाएगी, तो चलो गा देते हैं। तेरे बिना जिंदगी तो है पर जीने से एतराज है, मारे हुए हैं दो दिल लेकिन तकदीर नाराज है। कहता है कहानी इश्क कहे पानी सब डूबे साहिल पे, लेकिन कोई कोई आए दिल रोई जाए रोई जाए रोई जाए। तो यार मैंने सारी की सारी दीवारें साफ कर दी और मेरा दम निकल चुका है। अब तुम दीवारों का कलर देख सकते हो, वैसे तुम्हें कैमरे में तो पहले जैसे ही दिख रहा होगा, पर मुझसे पूछो, मैंने बहुत मेहनत से करा था, अब हो चुका है। मम्मी भी आ गई। मम्मी अब खुश है ना? अब तो खुश है, तेरे लड़के ने सारी दीवारें साफ कर दी। हाँ, बहुत खुश। तो साफ करी थोड़ा सा, अभी तो हर जगह झाड़ू पोछा लगाना, मैंने ये भी मदद करेगा। तो मतलब तू ये क्या कह रही है कि जो ये मैंने दीवारें साफ करी, ये साफ करना मतलब कोई वैल्यू नहीं इसकी? सारी कर लेता एक कमरे की करी खाली। तो मुझे लग रहा है अब मेरा जो स्वाभिमान है ना, उसको ठेस पहुंच चुकी है। अब मैं नहीं छोड़ूंगा, अब मैं झाड़ू पोछा सारी दीवारें करने के बाद तुम्हें मिलता हूँ। गलत बंदे से पंगा ले लिया मम्मी तूने। कर ले, सफाई होएगी और क्या होएगा, घर में साफ सुथरा रहेगा और क्या होगा, मम्मी की मदद हो जाएगी। अब बात मदद की नहीं, बात मेरे स्वाभिमान की है, अब काम करना पड़ेगा। हैड्स ऑफ है यार, सारी की सारी आंटियों को हैड्स ऑफ है यार। मतलब रोज झाड़ू पोछा करना बहुत मुश्किल काम है। मैंने फाइनली खत्म कर दिया सारा का सारा, पर दम निकल गया यार, बंदा थक जाता है। मम्मी को बता देता हूँ कि सब काम हो चुका है।
मम्मी का रिएक्शन देखते हैं फिर क्या। माँ अब तो खुश है ना, सारा झाड़ू पोछा आज तेरे बेटे ने कर दिया। एक दिन का क्या होता है, पर डे मम्मी की मदद हो तब बात करें। क्या 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 एक दिन से क्या होता है, अगर मम्मी की मदद पर डे हो, हमेशा हो, थोड़ी थोड़ी ना, हर काम में, तब बात बनती है। थोड़ी थोड़ी 10 मिनट की, 5 मिनट की, जैसे कुछ भी है, थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्की 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 मदद। बात बस इतनी सी है, मम्मी सीरियस लेगी। आज कर दे जाने में भलाई है यहाँ से भाई, मम्मी सीरियस ले जाएगी बात को, यहाँ से निकलने में भलाई है। तो यार दोपहर का खाना पीना सब हो चुका है, मैं भी कंटेंट ढूंढ रहा था कि यार मेन चैनल के लिए क्या वीडियो बनाऊं। तो ना मम्मी ना अभी एक रिकैप देख रही थी अनुपमा का, फिर मेरे ध्यान में आया यार, मैंने कहा ये इतना अजीब शो है ना यार। तो मैंने कहा मम्मी देख ही रही है, तो मैंने कहा क्यों ना यार मैं मेन चैनल पर इसके रिगार्डिंग एक फनी वीडियो बनाऊँ, उस पर टिप्पणी करी जाए। तो बस अब मैं वो वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें थोड़े से क्लिप दिखा दूंगा, बाकी फिर उसके बाद मिलते हैं। तलाक इस घर में है, गंदा बच्चा इस घर में है, भाइयों के बीच में लड़ाई इस घर में है, एक्स पत्नी और सौतन और करंट पत्नी पता नहीं कौन सब एक साथ यहाँ रह रहे हैं, षड्यंत्रकारी सारे यहाँ हैं। समी को आसमां बनाओ, सितारों से सजाओ, अगर तुम कहो। बीच बीच में यार गाने गाने पड़ते हैं, बनाते बनाते ना बंदा बोर हो जाता है, फिर थोड़ा देखना पड़ता है, तो मेरे गाने वगैरह चलते रहते हैं। तो यार फिलहाल मैंने वीडियो तो शूट कर लिया है अच्छे से, और अब टाइम हो चुका है 4:30, पता नहीं 4:45 हो चुका है। मुझे अभी गणपति पप्पा के पास जाना है मत्था टेकने, उसके बाद मुझे जिम भी जाना है, उसके बाद एडिटिंग भी करनी है, बहुत सारे काम है। तो चलो पहले जल्दी से मत्था टेक कर आते हैं। तो चलो मैं 45 पहुंच चुका हूं, अब जल्दी से बप्पा जी के दर्शन करते हैं और फिर निकलते हैं। पर मैं निकलने से पहले तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूं, यहां दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, मतलब किसी ने भी कोई पौधे वगैरह नहीं उगाए, पर यहां पर एक आंटी ने एक भिंडी का पौधा उगाया और उस पर देखो कितनी भिंडी लगी हुई है। हाँ आंटी एक ये फ़ोटो ले रहा था इसकी, भिंडी की ले रहा था आंटी। हाँ भिंडी लगी हुई थी ना आंटी, आगे थे इसलिए मुझे कैमरा बंद करना पड़ा और मुझे निकलना पड़ा। पता लगा कभी कभी तीन भिंडी लगी हुई है, उन तीन भिंडी के पीछे आंटी मुझे चोर कह देती, उन तीन मंडी को चुरा भी लेता तो बनाता है क्या, उसका कुछ नहीं होने वाला था। उसका तीन मंडी के पीछे कभी पता लगा भिंडी तो बनी नहीं, चोर बन गया मैं। लाखों में एक है तू सबसे निराला, फेस तेरा क्यूट सा है, लुक भोला भाला, बापा ऐसे आना कभी वापस ना जाना, आओ सारे मिलके गाए बापा वाला गाना। मैं सेक्टर 44 से आया था, उसके आने के बाद मैं और रोनी जिम चले गए। जब जिम गई थी इतनी धूप थी भाई साहब, तो मानोगे नहीं मैं तो पूरा गीला पड़ा हूँ, रोनी भी पूरा गीला पड़ा है। मुझे नहीं लग रहा बॉडी तो हमने क्या बनानी, ठंड और लगवा लेनी अपने। तुम्हारे को दूसरा भी दिखाता हूँ कहाँ गया। ये आ गया दूसरा कंटेस्टेंट, जिम में बॉडी बनाने गया था, उल्लू बनकर आ गया। जब गए थे इतनी धूप थी, और जब आए तब बारिश में भी गए हम दो बॉडी बिल्डर्स। वही वो सुन सो, मेरे को फोन दे, मेरे फोन से व्लॉग बना रहा है वो, हमारा तोता दूसरों की छत पे, रात हो चुकी है, दोस्त को बोलना पड़ेगा छत से उड़ा। तो चलो यार बाद में मिलते हैं, उड़ाने के लिए बोलना पड़ेगा। जब मैं और रानी जिम से आए तब हमें पता लगा, क्योंकि हम भी भीगते हुए आए, तो फिर अब जैसे ही आए तो फिर मुझे भेज दिया, फिर मैं गया जहाँ जिस छत पे था वहाँ से इसको लेकर आया, आते मेरे कंधे पे बैठ गया, फिर कंधे पे बैठ के यहाँ आया, और अब अपने आप को सुखा रहा है। देखो पीछे पूरा गीला हो चुका है, पूरा गीला हो चुका है, और इस टाइम अपने आप को सुखा रहा है। तो चलो अच्छी बात यह है, ये भी घर आ गया, सब सही सलामत हो गया। तो चलो अब खाना खा लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तो यार जो जो न्यू है चैनल पे उसको सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो, अपनी फैमिली के साथ देखो, मजे करो।